पानीपत में स्कूल प्रबंधन, बस चालक और ट्रांसपोर्ट कमेटी की लापरवाही की वजह से 2 वर्ष पहले 5 वर्षीय मौत के मामले में परिजन आज भी न्याय के लिए भटकने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बस के अंदर फर्श टूटा होने की वजह से बस में ही सवार बच्चा खाली जगह से नीचे गिर गया था। इस दौरान तेज चल रही गाड़ी के पहिए ने उसे कुचल दिया था। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया था। परिजनों ने पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि हादसा पानीपत में खुकराना गांव के पास 2 साल पहले हुआ था। गुरुद्वारा बाबा जोध सचियार में सालाना सत्संग समागम चल रहा था। सत्संग में संगत आई हुई थी। इसी गुरुद्वारे की कमेटी का स्कूल भी है। स्कूल की बस को संगत को छोड़ने के लिए लगाया गया था। बस के पिछले पहिए के पास फर्श टूटा हुआ था। चालक और कमेटी के लोगों ने ये बात संगत को नहीं बताई थी। जहां से फर्श टूटा था वहां पर प्लाई रख दी गई। नर्सरी में पढ़ने वाला 5 वर्षीय कार्तिक अपने 8 वर्षीय भाई जतिन के साथ पिछली सीट पर बैठा था। खुकराना के पास ब्रेकर आते ही प्लाई खिसक गई। वहां से कार्तिक खाली जगह से नीचे गिर गया। पिछले पहिए ने उसे कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। आज भी रोते बिलखते परिजन पानीपत के लघु सचिवालय पहुंचे और पानीपत पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि वह लगातार न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये क्या कब का मसला, क्या हुआ और क्या कार्रवाई है? आज से 2 साल पहले 19/3/2019 को एक स्कूल बस का फर्श टूटा हुआ था जिसमें से मेरा बच्चा निकल के एक्सपायर हो गया था, मगर आज तक ना तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और ना ही मुझे कोर्ट से कोई न्याय मिला है, जिसके लिए मैं आज तक रोज धक्के खा रहा हूँ। हर कोर्ट में हर तारीख पर तारीख मिलती है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मुकदमे तो दर्ज है, इसमें दो ड्राइवर मुकदमा तो दर्ज हुआ है मालिक के खिलाफ और ड्राइवर के खिलाफ, मगर कार्रवाई ना तो स्कूल प्रशासन पे करी गई है और ना ही स्कूल के ऊपर कोई ना ही बाबा पर कोई कार्रवाई हुई है। इसका ये प्रोग्राम था जिसने बस अपने कार्रवाई प्रोग्राम में चला रखी थी। क्या हुआ था, किसका स्कूल था और नाम स्कूल? वो एक गाँव आसन कला मेरा बाबा जोर से चार पब्लिक स्कूल था जिसके वहाँ एक मेला था। मेले में मेरे बच्चे गए हुए थे, उन्होंने स्वाचंद लेना ले जाने के लिए उस बस चला रखी थी, मगर उस बस का फर्श टूटा हुआ था जिसको लकड़ी के फट्टे से ढका गया था। जैसे ही वो एक बस ब्रेकर से निकलती है लकड़ी का फट्टा साइड से निकल जाता है और मेरा बच्चा ऑन दी स्पॉट उस बस के पहिए की लपेट में आकर ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है, पिछले पहिए के नीचे आ जाता है। मगर उसके बाद इन लोगों ने एक सिर्फ ड्राइवर को पकड़ लिया और बाद में 10-15 दिन बाद मालिक के खिलाफ एक FIR अपना केस करके और उसको जमानत देकर रिहा कर दिया गया। उसके बाद आज हम तारीख पे तारीख घूमते जा रहे हैं, मगर कुछ हो नहीं पा रहा है इस केस के अंदर। आज किससे मिले और क्या उम्मीद है? आज मैं एसपी साहब से मिलकर उनकी दरखास्त देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि 2 साल हो चुके हैं कि मेरे बच्चों को लेकर जिस केस में सब सच्चाई है, सच्चाई होने के बावजूद भी हमारे केस में कुछ नहीं हो पा रहा। 19 मार्च 2019 को यह घटना हुई थी। इनका बच्चा इनके साथ ही सत्संग में गया हुआ था जिसको सत्संग के आने ले जाने के लिए स्कूल बस ही लगाई गई हुई थी। उनका स्कूल भी है जो सत्संग चला रहे थे उन प्रबंधन का, तो उसकी फर्श गली हुई थी, कंडम बस घोषित था हुआ और यह जानकारी स्कूल के प्रशासन, प्रबंधन, ड्राइवर सभी को थी। तो जैसे उन्होंने बच्चे को उनके परिवार को बैठाया तो उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी जो फर्श गला हुआ है, इनको कोई जानकारी नहीं दी गई और एक माँ के बगल से उस गले हुए फर्श से उसका 5 साल का बच्चा गिर गया और वही ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, तो हम समझ सकते हैं उसकी कितनी पीड़ा होगी। और पिछले 2 साल हो गए हैं, अगर स्कूल में यह घटना हुई तो स्कूल का, हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कमेटी बनी होती है, तो क्या उस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कमेटी को यह पता नहीं था जो बस गली हुई है या इस तरह का हादसा हो सकता है? उस टाइम भी वह बस स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए यूज हो रही थी, उस टाइम स्कूल भी चल रहा था और उनका वह बस यूज होता था रेगुलर में, तो यह कितनी बड़ी लापरवाही है और इसका RTO डिपार्टमेंट से चेकिंग क्यों नहीं होता है, यह बहुत बड़ी बात है। उस वक्त थोड़ा सा जब कोई घटना होती है तो प्रशासन जागती है और उस टाइम काफ़ी बसेस की चेकिंग की गई, जो आप लोग को पता है सभी बसों में खामियां निकली पानीपत की जितनी बसेस थी, लेकिन एक हादसा हुआ और तब जांच हुई और तब खामियां निकली। आज 2 साल हुआ, परिवार को तो न्याय नहीं ही मिला है, लेकिन क्या उसके बाद भी सभी स्कूल बसों की रेगुलर चेकिंग हो रही है? यह बहुत बड़ी बात है, वह रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। जो स्कूल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होती है जिसको हाईकोर्ट ने, हरियाणा सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा हुआ है, लेकिन वह चीज़ नहीं होता है। तो हमारी यह प्रशासन से, सरकार से, सभी से अनुरोध
अनुरोध है, एक तो इस परिवार को न्याय मिले, इसके अलावा स्कूल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बिल्कुल रेगुलर जो उनकी पॉलिसी है, जो हर 3 महीने में सभी बसों की जाँच होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, जो कंडम बसेज हैं उनको सीज किया जाए, यह सब चीज़ लगातार होनी चाहिए। हम बार बार किसी कार्तिक को खोने के लिए तैयार ना हो और हम इकट्ठे ना हो, इस तरह से कोई माँ बाप पूरा उम्र उस दर्द से ना गुजरे। तो यह हम लोग भी आज एसपी सर को बोलेंगे, जो आप स्कूल बसेस की चेकिंग करवाइए, कोई ऐसा है तो रेगुलर चेकिंग हो। और इस केस में क्यों इतना डिले किया गया, आखिर जिनके ऊपर कार्रवाई बनती थी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मैं अपने बच्चे के लिए न्याय, मुझे इंसाफ दिए। 2 सालों में अपने बच्चे के लिए धक्के, सारे दिन तारीख में तारीख दी जा रहा, सुबह से लेके शाम तक आती हमें आगे से आगे कहते तारीख देंगे, तारीख देके हम तो कुछ नहीं मिलता। हमें 2 साल हो गए धक्के खा रहे हैं अपने बच्चे के लिए। हादसे में कैसे हुआ था बच्चे के साथ? मैं आपके बच्चे के साथ बैठी थी, वो बच्चा निकल गया उसके नीचे, बस से निकल गया। हाँ जी। 2 साल में किसी गिरफ्तारी, किसी को सजा कुछ नहीं हुआ? जब एक बंदे को करा था गिरफ्तार, उसी की जमानत आपके साथ दे दी। हमें कहते हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हमने कहा कब तक? 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अगली तारीख दे देते हैं आपके साथ। अभी कोई उम्मीद है न्याय मिलने के? 2 साल हो गए अभी। 2 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। अभी किससे मिलोगे आप लोग? अब ऐसे मिलेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, किसके खिलाफ? आप बताइए किसके खिलाफ होनी चाहिए? तो ये चाहते हैं जो हमारे बच्चे के दोस्त हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिले, ताकि जो हमारे बच्चे के साथ हो रहा है, ताकि भविष्य में और किसी बच्चे के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक